देखो अब ये एडिशन रिएक्शंस है, तो हम इसके पहले एग्जांपल ये थे वो सिमेट्रिकल एल्कीन था। सिमेट्रिकल मतलब दूसरा एग्जांपल देखो, दोनों सेम था ना। ये सिमेट्रिकल है, जब आप यहाँ पे ऐसे लेके आओगे ई होगा एच प्लस होगा सीएल माइनस, ई वाला इधर अटैक करेगा, ई वाला इधर अटैक कर लेगा, कहीं करा सकते हो। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये पांच ही निगेटिव आ जाएगा। हाँ। तो निगेटिव सर इसको पांच लो, इसको निगेटिव करो, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव चला जाएगा, ये इस पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म तो बस सी 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 बनेगा, सी 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 बनेगा। फिर पहले डबल बॉन्ड था ना, एच प्लस सी एल माइनस कहाँ चलेगा, अरे गाली गया एच प्लस सी एल माइनस। अच्छा सर 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 देख ना, मतलब कहीं इस प्लस ठीक है भाई। दूसरा एग्जांपल यही ले लो, ये अनसिमेट्रिकल खाली लिख लो बस, ये सिमेट्रिकल है, ऑपरेटर सिमेट्रिकल ना भैया, हाँ ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल नहीं था, वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिक वही तो बोला आपको, दूसरा कुछ नहीं दे रहा है। ये है देखो, अब जब यहाँ पे हम अटैक कराएंगे, ये सीएल है, एससीएल, तो देखो एससीएल में क्या करेंगे, ये अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, और ये अपना रिएजेंट है, जैसे पार्शियल पार्टी पार्शियल नेगेटिव। तो देखो हम ऐसे करते हैं, हमें बनाना है कार्बो कटायन, क्या बनाना है कार्बो कटायन, एक बार इसको अटैक कराते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आया सीसीएल माना। हाँ ये आप चाहो मैं और तरीके आपको दिखा दूंगा अच्छे से इसको। अरे वही तरीका दिखा दे पहले, देखो एक बार इस बांध को इधर ब्रेक कर सकते हैं, ये बनेगा, अरे इसको अगर इधर ब्रेक करो तो ये बनेगा, मतलब बांध को ब्रेक कर रहे हैं, ये हम अटैक नहीं करा रहे। आ गया ऐसे बनेगा। अब देखो एस प्लस को लेते हैं यहाँ पे, दोनों जगह इसको इधर अटैक कर रहे थे क्या, तो देखो ये एच प्लस है, ई यहाँ जाकर अटैक करेगा, बोलो भाई ये कैसा कार्बो कटायन है, प्राइमरी की सेकेंडरी, अच्छा आप देखो इस इसको यहाँ नहीं कटाई करो, ये कैसा है, अब बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, दो भाई, अल्फा कार्बन दो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, मान इसको मिथाइल ग्रुप मान लो, तीन ये होगा, यहाँ अगर एल्कीन मतलब मिथाइल मानिंग तीन यहाँ भी हो जाएगा, मिथाइल मानिंग दो मिलेगा, तो ऐसे गिन लेंगे। तो देखो ये प्राइमरी कार्बन का टाइम और ये अब कौन स्टेबल है, तो इसको यही क्या कर देंगे करास, बन जाएगा। ऐसे मैं एग्जाम्पल फटाफट लिख रहा हूँ, देखते भाई देखे एग्जाम्पल लिखो ना। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको सॉल्व करो, कोई
छह भाई, ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका देखो हमें बोला ना कार्बोकैटायन, हमें पता है कि अगर इस बॉन्ड को इधर अगर शिफ्ट करेंगे, लिखिए जल्दी, नेगेटिव आएगा। और ये जो H प्लस है तो अगर यहाँ अटैक कराएंगे बनेगा। अब देखो थ्री डिग्री कार्बो कटायन है, तो थ्री कार्बो कटायन इज मोस्ट स्टेबल। अगर तुम इसी बॉन्ड को इधर ब्रेक कर देते तो फिर वन डिग्री बनता ना, तो लेस स्टेबल होता। जो थ्री डिग्री कार्बो कटायन है ये क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। यहाँ देखो आपके पास दो तरीका, पहले इस बॉन्ड को यहाँ निगेटिव करोगे, मान लो यहाँ यहाँ से छूट जाएगा, ये थ्री डी कार्बो कटायन बनेगा। अगर इसको दस शिफ्ट कर दोगे यहाँ जुड़ेगा तो सिर्फ यही बनेगा कार्बो कटायन, ये पर टू डिग्री होगा और यहाँ क्या होगा? थ्री डिग्री, बिल्कुल स्टेबल होगा। हम क्या करेंगे इस बार इधर ब्रेक कर देंगे, ये पॉजिटिव आ जाएगा और इसको सही जाकर जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे बन जाएगा। यहां देखो ये थोड़ा अच्छा है, अब इसका दोनों केस दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए। अगर हम S प्लस को माइनस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं, सपोज यहाँ पॉजिटिव आएगा, बोलो भाई, अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा बोलो भाई, समझ पा रहे हम? चलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये थ्री डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन की दो यहां मिलेगा, दो यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, कितना हुआ? पांच, दो यहां से चार और एक यहां से, ये तो कार्बन है, पांच मिला। पांच क्या बोल रहे हो यार, पांच के पांच। अब देखो अब अगर हम इसी को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो एच प्लस वहां जुड़ जाएगा, तो जब यहां जुड़ेगा तो यह कब बनेगा बोलो भाई? अब यहां कितना मिलेगा अल्फा हाइड्रोजन? दो यहां मिलेगा, तीन यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, कितना हो गया? सिक्स। अब बताओ कौन स्टेबल है, ये पांच वाला कि सिक्स वाला? तो मेजर कौन हो जाएगा? इसको यहां काट सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, अरे हम अब सीएल अटैक करा देंगे। अब वैसे देखो इसका जब कराओ बेस वाले का, इसका देखो मैं बता दे रहा हूं, अरे पहले समझ लो, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे पहले ही, ये पॉजिटिव बनेगा। और पता है कि प्लस देखो ये रेजोनेंस सिस्टम लाइज है कार्बो कटायन, यानी H प्लस को हम यहां जोड़ दें बनेगा कि नहीं? और ये कार्बो कटायन मोस्ट स्टेबल होगा, और देखो दो इधर बेंजीन ही है और तीन इधर से अल्फा हाइड्रोजन है। ये एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में लिए थे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा रहे थे प्लस इफेक्ट, तो आप एग्जांपल ये लिए थे। वैसे इसको जब करोगे तो देखो यदि इसको इधर शिफ्ट करोगे तभी भी यहाँ पॉजिटिव आएगा, और जब यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब है कि पी एच सी एच ये पॉजिटिव, ये सी एच, इससे थ्री बन जाएगा। अगर एक बार निगेटिव वाला अटैक करा देना नहीं सर, फिर से बताए नहीं। देखो इजी सबको हम बोलते हैं, मैं एक जगह फिर समझा रहा हूँ, फिर से देखो और सबको ध्यान से समझ लेना एग्जाम्पल, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल अगर समझे रहोगे, इस वाला एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, चाहे इसी समझाता हूँ फिर से, ऐसे इसमें से कौन सा एग्जाम्पल एक बार फिर से समझा दें, कोई एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि हमको इसी बैकग्राउंड प्रूफ करना है, कोई एक एग्जाम्पल उसको फिर से समझा, अगर फिर समझा दें कोई एग्जाम्पल बोलो। चलो ये सेकंड वाला नहीं पूछ रहे हैं, इसको समझा दे, एक समझ जाओगे आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है भाई? मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है? मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ भाई, मतलब फिर से समझा रहा हूँ इसको, सब देखते जाओ बस। यही से एक रूल आपको मिल जाएगा,
इसीलिए मैं उस रूल को समझाने के लिए पूरा टाइम लूंगा इसको। अब देखो तो अच्छे से देखना आपको, इधर देखो, इस कंपाउंड को दो तरीके लिखने का है, एक तरीका ये है एक तरीका ये है। अब हमें इतना बस बताओ, अभी देखो हमने सिर्फ किया क्या है, इस बांड को सिर्फ ऐसे ब्रेक करके दिखा दिया, ठीक है भाई। अब देखो ये है H प्लस और यहां भी क्या है, H प्लस, समझ पा रहे हो? एक बार कहां टकरा रहे, इस निगेटिव वाले पे, ये बना और इसको काटे करा रहे, बना कार्बोकैटायन पहचान पाते हो? तो कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला कि ये वाला? तो बताओ, देखो हमने कहा ये सब्सट्रेट है, ये रिएजेंट हो गया, देखो इंटरमीडिएट बना, ये कैसा इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल इंटरमीडिएट है। जब ये स्टेबल है जो प्रोडक्ट बनेगा इससे मेजर बनेगा, और इससे जो बनेगा वो माइनर। अब तुम बताओ ये नहीं बचा भाई सीएल माइनर, सीएल माइनर जाकर के जुड़ जाएगा, बोलो भैया। अब हम देखो हम इसी आपसे पूछे बताओगे, इसमें जो H प्लस था, H प्लस, ये H प्लस कहाँ पे जुड़ा है जाकर? माइनस पर, नहीं नहीं माइनस नहीं था, ऐसे ही बोलो आया। अब सही है, नहीं नहीं ये H नहीं रहेगा क्योंकि वो है ना वहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं। अब जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है कि ज्यादा? और जहाँ पे निगेटिव वाला जुड़ा है वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि H+ वहां अटैक करेगा जब हाइड्रोजन का संख्या कम ज्यादा, हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, और नेगेटिव वहां अटैक करेगा जहां पे कम H+ का नंबर कम। इसी को दूसरे वर्ड में बोलना हो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? तो नेगेटिव वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम हो, निगेटिव वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन का संख्या कम हो, और पॉजिटिव वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन का संख्या नहीं। और इसी को बोले कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये ना रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो। इसको समझ में बता रहे, मतलब पॉजिटिव वाला वहां अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, निगेटिव वाला वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। भाई वही ना हो रहा है इसको स्टेबल बनाने के लिए, तो इसी का नाम होता है एम के आर, ये 14 हो गया, मार्कनिका ऑफ रूल। इसी का नाम क्या होता है? मार्कनिका ऑफ रूल। तो इसी रूल को क्या बोलते हैं, मार्कनिका रूल। मार्कनिका ये बोलता है कि H+ वहां अटैक करता है जब हाइड्रोजन का संख्या मैक्सिमम होता है, नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है जब हाइड्रोजन